स्वागत है आप लोगों को मेरा आज का और एक न्यू वीडियो पर। तो उम्मीद है आप लोगों ने पहले जो बकरेश्वर वाला वीडियो मैंने अपलोड किया है वो देख लिया होगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ महागने पहाड़ देखने, तो मैं पैदल जा रहा हूँ, साइकिल लेके नहीं जा रहा हूँ। तो चलते हैं, मिलते हैं डायरेक्ट महागने पहाड़ पे। अभी हम लोग आ चुके हैं पहाड़ेश्वर गेट के पास। तो ये पहाड़ेश्वर मंदिर का गेट है, यहाँ चेक कर सकते हो, ये रास्ते से आगे है। तो अभी यहाँ पे चेक कर सकते हो पहाड़ेश्वर मंदिर। तो क्या ही दिख रहा है, और धूप भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी यहाँ से जूता उतार लेते हैं यहाँ पे, देन जाएंगे अंदर। तो अभी मैं मंदिर से बाहर निकल चुका हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे और दो तीन मंदिर हैं। ये यहाँ पर है काली मंदिर, और उस साइड है हनुमान मंदिर, और यह है सबसे बड़ा मंदिर ये रहा। भाई साहब पूरा कैमरे पे शायद से पूरा आ भी नहीं रहा होगा, पता नहीं। तो अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत पेड़ के छाँव में रुकते हैं, देन जाएंगे महाभग्न पहाड़ के साइड। तो चलो, तो अभी मैं जा रहा हूँ महाभग्न पहाड़ के साइड। यहाँ पे देख सकते हो पत्थर ही पत्थर है, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर। और यहाँ पे मैंने एक भैया से पूछ लिया है रास्ता, तो इस साइड से ही है रास्ता, पूरा एकदम सीधा सीधा जाना है। तो भाई पत्थर चेक करो भाई, एकदम पूरा पत्थर के बीचों बीच काट के एकदम रास्ता बनाया गया है। मैं यहाँ पे पहली बार जब दुबराजपुर आया था, तो मैं यहाँ पे आया हुआ था, तो तब ये जो रास्ता है ये नहीं था। यहाँ पर भी पत्थर पुत्थर भी थे, एकदम पूरा पत्थर के ऊपर से जाना पड़ता था, मतलब छोटे छोटे पत्थर थे। तो अभी तो एकदम प्रॉपर रोड बना दिया गया है, और वहाँ पे देख सकते हो छतरी टाइप का बना दिया गया। वहाँ पे एक दादाजी पेपर पढ़ रहे हैं शायद से। तो अभी बहुत कुछ बन चुका है इस साइड, अभी देखते हैं महाभग्न पहाड़ जैसा था पहले वैसा ही है कि नहीं। यहाँ पे मुझे साइकिल लेके आना चाहिए था शायद से, पर मैंने लेके नहीं आया हूँ। मैं अभी यहाँ पे चेक कर सकता हूँ भाई, पूरा पसीने से पसीना पसीना हो चुका हूँ। बाप रे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। अभी मैं आज कैप भी नहीं पहन के आया। अभी यहाँ पे चेक कर सकते हो, ऊपर ही है पहाड़, मतलब महाभग्न पहाड़ पहाड़ेश्वर का। यहाँ पर ये ऊपर सीढ़ियाँ है, ये सीढ़ी चढ़ने से, मतलब चढ़ने के बाद ही वहाँ पे आगे देख सकते हो महाभग्न पहाड़ दिख रहा है। यहाँ पे मामा छोटा होता है और भगना बड़ा होता है। तो अभी सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं, और भाई पसीने से हालत ख़राब होकर रखा है एकदम, इतना ज़्यादा गर्मी है। ऊपर से मुझे सर्दी भी हो गया है, मतलब क्या ही बोलो। तो चलते हैं ऊपर, ऊपर जाके आप लोगों को प्रॉपर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। रुक जाओ, पहले जूता उतार लेता हूँ, देन दिखाएंगे। तो चलो, तो अभी यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये यहाँ पर एक मंदिर है, और मैंने जूता उतार लिया है। तो यहाँ पे देखो मंदिर है, और ये रहा मामा, ये रहा भागना। ये भागना देखो सबसे बड़ा, और मामा थोड़ा सा छोटा है। तो अभी यहाँ से व्यू चेक करो बस, भाई साहब क्या ही दिख रहा है, एक नंबर व्यू, एक नंबर आ रहा है यहाँ से एकदम ऊंचाई से, क्या ही तगड़ा दिख रहा है। धूप भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत सारे लोग नाम वगैरह लिख के गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। और भाई साहब कितने बड़े बड़े पत्थर है भाई यहाँ पर, पहाड़ एकदम। अभी पूरा पसीने से भीग चुका हूँ, और ऊपर देख सकते हो महाभग्न पहाड़। और मतलब बिना जूते पहने, मतलब मैंने वहाँ पे चढ़ा था, मतलब वहाँ पे जूता खोलना पड़ता है ऊपर जाने से पहले। तो मतलब पत्थर इतना गर्म हो चुका है ना, पहाड़ के जो पत्थर है वह पैर भी नहीं रखा जाता। तो अभी चल रहे हैं उस साइड, देखते हैं। यहाँ पे एक पार्क भी है, तो अभी पार्क के साइड भी चलेंगे।
देखने के लिए, पार्क देखने के लिए। ये रहा सर्च कर रहे हैं, बांस के पेड़ वगैरह है। तो अभी चलते हैं डायरेक्ट पार्क। तो पार्क पे एंटर होते ही यहाँ पे हमको शिव जी मिल गए, और अभी जा रहे हैं अंदर साइड। और ये जो पार्क है इसका एंट्री फीस है 10 रुपये। यहाँ पे पार्क और जो भी, मतलब मैं जब बॉक्रेश्वर गया था वहाँ पर भी उतना ज़्यादा फीस नहीं है, मतलब एंट्री फी नहीं है। बट जो मैं एक बार तारापुर झील गया था, बट वहाँ पे 30 रुपये एंट्री फीस था, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। अगर आप लोगों ने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक आता होगा, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर चेक कर सकते हो पार्क। मैं ज़्यादा घूमने वाला तो यहाँ पर हूँ नहीं, थोड़ा बहुत झूला वगैरह झूलने वाला हूँ और थोड़ा बहुत ही घूम के यहाँ से निकलने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। ये चेक कर सकते हो, बहुत सारा झूले लगे हैं यहाँ पर। और देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ है। यहाँ पे एक ये देख सकते हो, इस साइड पे एक तालाब टाइप का कुछ है। तो अभी इस साइड देखते हैं, रुक जाओ। तो अभी ये देख सकते हो यहाँ पे फुहारा वगैरह होगा शायद से, पर अभी नहीं है, अभी चल नहीं रहा है। तो चलते हैं यहाँ पे, थोड़ा बहुत घूम लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से।